रमल, रमल बेटा, रमल। जी बाबा। लो बेटा, ये लो, ये पकड़ो। अरे आराम से भई, आराम से। जो तुमने मुझे कहा था ना, वो सब कुछ ले आया हूँ मैं। थैंक यू बाबा, मैं कब से वेट कर रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो तो खाला के घर गई हुई है। आप तो अम्मी को जानते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। समझ नहीं आती मुझे इस औरत की। अरे जवान जहान बेटी को घर में अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है ये। आपको मेरा कितना ख्याल है ना बाबा, सारा मोहल्ला आपकी तारीफ करता है। वो जो अख्तर खालू थे, उनके बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना था, कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे बाबा फौरन उसको डॉक्टर के पास लेके गए। और वो जो अना खाला है, उनकी बेटी की शादी में आपने कितनी हेल्प की थी ना, बहुत दुआएं दे रही थी। वो कह रही थी मंसूर ने पड़ोसी होने का हक अदा कर दिया। मेरे बाबा तो है ही ऐसे, जहां जाते सब उनके गुण गाने लगते। अरे बस बस बस, ये बताओ कि ये सामान उतरा था, ये कोई नए हमसाये आए हमारे? हाँ ना, वो शमीम खाला है ना, उनके घर नए किराएदार आए। और आप जानते हैं, उनकी बेटी बिल्कुल मेरी हम उम्र है। थैंक गॉड, अब मेरी बोरियत खत्म होगी और मैं उससे दोस्ती कर लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए। अभी तो तुम जाओ मुझे एक कप चाय बना के दो, बड़ी सख्त थकावट हो रही है और फिर मैंने एक जरूरी काम से जाना है। अभी लेके अच्छी सी बना के लाना। अरे अरे बहन जी, आप इतना वजन उठा के कहाँ जा रही हैं? लाए मुझे दे, मैं पहुंचा देता हूँ। आप कौन हैं? मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, इसी मोहल्ले में। लाइए दीजिए। नहीं नहीं, आपको जहमत होगी, मैं ले जाऊंगी। लगता है आपको मुझ पर एतबार नहीं आ रहा। मैं जी इसी मोहल्ले का हूँ, मंसूर अहमद नाम है मेरा। आप किसी भी दरवाजे पे नॉक करके ना मेरे बारे में पूछ सकती हैं। लाइए मुझे दीजिए दीजिए दीजिए, लाइए, आइए आइए। अच्छा बहन मुझे इजाजत। शुक्रिया शुक्रिया। चले मैं अंदर तक रखवा देता हूँ। आपको जहमत होगी। कोई कोई मसला नहीं, आ जाइए आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। ओहो, सारी नेकी जाया करवा दी आपने, शुक्रिया अदा करके। आपने हमारी मदद की, एहसान है आपका। आप इस एहसान का बदला आसानी से चुका सकती हैं बिना मुझे शर्मिंदा किए। वो कैसे? एक कप चाय पिला के। उधर से आज मेरी बीवी और बेटी घर पे नहीं है, तो मुझे चाय बनानी आती नहीं है। खुद बनाता हूँ तो बिल्कुल जोशांदा बनती है, तो मैंने सोचा कि चले आपसे एक कप इसी बहाने चाय का पी लेता हूँ। जरूर जरूर, जाओ बेटी चाय का पानी रखो, चलो चलो। मैं उठा लेता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रमल, रमल बेटा। जी बाबा। रमल, जाओ बेटा ये जरा, ये जो नए पड़ोसी आए हैं ना, उनको पकड़ाओ। भाई बड़ी अच्छी खातून है, मेरी दो चार मर्तबा मुलाकात हुई है उनसे। अरे तुम्हारी माँ जो है ना, वो तो अच्छे लोगों से मिलती जुलती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती है। बाबा वो उनकी बेटी है ना रामीन, वो भी बहुत प्यारी है, मेरी दोस्ती हो गई ना उससे, कॉलेज जाती है ना वो इसलिए। हाँ है तो बहुत प्यारी, पर नखरा बहुत है। बुलाओ ना उसको कभी घर। कहाँ बाबा, वो आती जाती नहीं है कहीं, बस मुझसे बात कर लेती और किसी को लिफ्ट भी नहीं कराती। कराएगी लिफ्ट भी, जल्दी कराएगी। तुम ऐसा करो, ये दे आओ उन्हें जाके, खाला को बर्तन वापस मत लाना, मैं खुद ही ले लूंगा उनसे। ठीक है। तू जानती नहीं अभी मंसूर अहमद को, जिस पर उसका दिल आ जाए
फिर वो उसके हाथ से बच नहीं सकती। शादी करके अपने घर कब ला रहे मुझे? बाबा वो आरिफ आंटी कह रही थी कि नमाज के बाद बर्तन भिजवा देंगे। हाँ ठीक है बेटा, बर्तन मैं खुद ही जाके ले आऊंगा। सुनो तो अपनी माँ का पता करो फोन करके, कहाँ गई है भाई, घर वालों का कुछ अता पता ही नहीं लेती है वो। ठीक है मैं करती हूँ। पता नहीं कब जान छूटेगी इस औरत से, ये जान तो अब छुड़ानी पड़ेगी इससे। आखिर रामीन को जो रखना है इस घर में। मंसूर भाई आपने खाने पीने का इतना सामान लाके दे दिया, हम घर में दो ही तो अफराद हैं। अरे बहन जी आप क्यों परेशान होती हैं, खाए ना, खाने के लिए है, बल्कि रामीन को खिलाए ना, देखे ना कितनी दुबली पतली हो रही है। क्या करूं मैं, कह कह के थक गई कि खाया पिया करो। एक तो ये डाइटिंग ने लड़कियों का बेड़ा गरक कर दिया है, अब रमल भी तो है, खाती पीती कितनी प्यारी लगती है, भाई तुम भी खा लो, लेकिन नहीं बात तो माननी नहीं। वो रमल की माँ अगर जरा तवज्जो देती ना जी तो आज उसकी सेहत और भी बेहतर होती, उसको घर के कामों के लिए फुर्सत ही नहीं है। अरे बस क्या करें, अरे क्या हो गया, तमीज से सर्व करो। अरे क्या हो गया रामीन, तुम्हें चाय देने का भी तमीज नहीं है, कुछ सलीका सीखो। अच्छी बदतमीज लड़की है, कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, बच्ची है ठीक हो जाएगी। बस मंसूर भाई इसकी पढ़ाई खत्म हो जाए ना, कोई अच्छा रिश्ता देके इसकी शादी कर। हाँ तो आप अपने दाएं बाएं देखिए ना, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलते हैं, वो रिश्ते कराने वाली नहीं है, उसको भी कह रखा है लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं इन लोगों के पास अच्छे रिश्ते नहीं होते, आप खुद तलाश करें, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा रिश्ता आपके दाएं बाएं में मिल जाएगा। बस भाई दुआ करें, बस इसका रिश्ता हो जाए, ये अपने घर की हो जाए, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। मीठा सही है चाय में? बहुत बहुत मीठी, बहुत प्यारी। क्या कह रहे जी? नहीं नहीं जी, मीठा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अम्मी मुझे तो समझ नहीं आता, जब देखो मंसूर अंकल मुंह उठा के हमारे घर में घुस जाते हैं। बस कर दे, दम ले ले थोड़ा सा लड़की। अरे वो हमदर्द आदमी हमारी हमदर्दी में आता है, 100 काम हमारे कर देता है, वरना मैं फिरती रहती गलियों गलियों पूरा दिन। मुझे नहीं पता, उन्हें मना कर दे हमारे घर में इस तरह आने से, और भी मोहल्ले में घर है ना, वहां जाए उनकी खिदमत करे, हमारी खिदमत क्यों करते रहते हैं हर वक्त। अच्छा तो बिजली का पानी का बिल दोगी, सब्जी तरकारी गोश्त, कितनी सहूलत है हमें, घर बैठे सारी चीजें आ जाती हैं, और तुम्हारे नखरे के खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, और मांगता क्या है, एक कप चाय का, वो भी बनाते हुए तुम्हें मौत आती है। हमी बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे घर के अपने मामलात में कोई मदाखलत क्यों करे, और बात क्या है, सामान लाने की गोश्त सब्जी दाल चावल वो तो एक कॉल पर खुद ही परचून वाला दे जाता है, हम क्यों किसी की मोहताजी का शिकार बने, क्यों अम्मी? देखो रामी बहन बहन करते उसकी जबान नहीं थकती है, पूरा मोहल्ला उसकी शराफत ही गुनगाता है,
और फिर तुम्हारे बराबर तो उसकी बेटी है, तो मुझे उसके बुरे किरदार होने का भी शक नहीं है। यही तो गलत फहमी आपकी। और देखो, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो अपने पड़ोसियों के लिए इतना करें। अरे मैं तो उनकी शराफत देख के हैरान रह गई। मोहल्ला भी उनकी शराफत ही गुनगाता है। और अगर तुम्हें एक प्याली देते हुए बहुत मौत आती है तो मैं बना लूंगी, मेरे हाथ पांव नहीं टूटे अभी। और जाओ यहां से, बस जाओ यहां से, पढ़ाई करो अपनी, और एक लफ्ज उनके खिलाफ में ना सुनो। जाओ। हर वक्त एक ही बात करती है। भाई बड़ी मजबूरी है, वो पेंशन लेट हो गई है, वरना तो आज तक किराया आगे पीछे नहीं हुआ। देखिए मुहतरमा, उसूल उसूल होता है, जब आपको एक तारीख दे दी है तो उसी तारीख को आपको किराया दे देना चाहिए। हमारी भी 100 मजबूरियां होती हैं। अरे अरे अरे, ये कैसे बात कर रहे हैं आप बहन जी से? अरे मंसूर मियां, आपको नहीं पता, पिछले महीने भी इतना ही लेट किया था इन्होंने किराया, और अब के बार तो इनको इतला ही नहीं, कह रही हैं कि अभी पैसे नहीं मिले। अब ऐसे थोड़े चलेगा। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनको अपनी मजबूरी बता रही थी कि इस दफा पेंशन लेट आई है, इसलिए किराया लेट हो गया। अरे वो बता तो रही है ना कि लेट हो गई है पेंशन। कितने पैसे आपके मुझे बताइए आप? 10,000। ये ले, गिने। अरे अरे आप चुप कीजिए ना बहन जी, आप चुप कीजिए। पूरे है ना? जी हाँ पूरे। बल्कि काम करना, आइंदा से हर महीने की 10 तारीख को आके किराया मुझसे ले लेना। बहन जी को तंग नहीं करना तुमने आइंदा। आप बस बेफिक्र होके जाएं। कितना नेक आदमी है, अल्लाह इसे खुशियां दे, फरिश्ता बनकर आ गया ये तो इस वक्त। ये अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार। मंसूर भाई, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? अरे बहन जी, आप फिर एहसान की बात कर रही हैं। आज आपने जो किया है वो तो मैं उम्र भर याद रखूंगी। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बहन जी, उसे पैसों की जरूरत थी, खामखा मैं आपसे बदतमीजी कर रहा था, मैंने पैसे उसको लौटा दिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये रामीन नजर नहीं आ रही, कॉलेज से आई नहीं अभी तक। मैंने आपसे कहा भी था बहन जी, एक वो टैक्सी वाला मेरा वाकिफ है, उसे प्राइवेटली लगवा देते हैं, कहाँ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाती फिरती होगी। अरे लो कितनी लंबी उम्र है माशाल्लाह, अभी तुम्हारा जिक्र किया हमने। मेरी शहजादी। देख लो रामीन, अगर आज मंसूर भाई नहीं होते ना तो हमारी इज्जत तो खाक में मिल चुकी होती। अरे बहन जी, आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। नहीं मंसूर भाई, इसको पता होना चाहिए कि आज हमारी मदद के लिए तो आप फरिश्ता बनकर आए। अगर आज आप टाइम पे नहीं आते तो मालिक मकान तो बदतमीजी पे उतर आया था। जिस तरह आपने पैसे निकाल के उसके मुंह पे मार के उसका मुंह बंद किया है, ये तो कोई अपना ही कर सकता है। और हाँ एक बात और सुन लो, अब मंसूर भाई की हैसियत इस घर के फर्द की तरह है। मैं तो आपको हमेशा अपनी बहन ही समझता हूँ, और अब तो ये घर भी मेरा है। जब मर्जी आओ, जैसे आओ, जब भी आओ। क्यों नहीं मंसूर भाई, आपका घर है, जब दिल चाहे आए। अच्छा मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अच्छा जी, आप बैठे। बहुत शुक्रिया।
बदतमीजी है। अम्मी घर पे नहीं है, आप जाएं यहाँ से। जानता हूँ वो घर पे नहीं है, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अभी के अभी आप यहाँ से जाएं। ये दरवाजा देख रही हो, खुला है ये दरवाजा, मैं चाहूं तो बंद भी कर सकता हूँ। चुप करके मेरी बात सुनो, मेरा दिल आ गया तुम पे शहजादी। शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए, बेटी जैसी हूं मैं तुम्हारी। अरे बेटी जैसी हो ना, बेटी तो नहीं हो ना। मम्मी को बताऊंगी सारी बात। हाथ छोड़ो मेरा मुंडा, अभी शोर मचा के सबको इकट्ठा करूंगी मैं, छोड़ो मेरा हाथ। बुलाओ, मचाओ शोर जितना बचाना है, मैं भी तो देखूं किसकी इज्जत दांव पे लगती है। बुलाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बाबा, बाबा आप यहाँ हैं? वो बेटा मैं कल के बर्तन लेने आया था। अच्छा, मैं भी वही लेना है। तो तुम जाओ, मैं ले आता हूँ। नहीं ना बाबा, आप जाए मैं ले आती हूँ ना, वैसे भी अम्मी आपको ढूंढ रही हैं। ओ, उसे आज मेरी याद कैसे आ गई है? पता नहीं, शायद कोई काम होगा आपसे। अब आप जाए ना, मुझे रामी से बहुत सारी बातें करनी है, जाए मैं ले आऊंगी बर्तन। तुम किस टेंशन में हो? आओ जरा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आओ बैठो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें आज बहुत सारी बातें बतानी है। कल मैं जब एक मिनट बर्तन में खुद ही देने आ जाऊंगी रात को, है ना, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है यार, मैं तो बहुत सारी बातें करने के इरादे से आई थी, लेकिन क्या करें तुम्हारी तबीयत ही खराब है। ठीक है, तुम रेस्ट करो, सर दर्द की गोली ले लेना। हाँ ओके। क्या हुआ, मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है, तबीयत तो ठीक है? अम्मी आपको मेरा उतरा हुआ चेहरा नजर आ रहा है, मगर इस घर में आपके होते हुए जो कुछ भी हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा आपको। क्या मतलब है बताओ तो सही। आपका वो भाई जो बना फिरता है, उसकी इतनी हिम्मत कि कल उसने इस घर में आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शादी की पेशकश की। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो उस पर? जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ अम्मी। जिसने आपकी आंखों पे और इस पूरे मोहल्ले की आंखों पे अपनी पारसाई की पट्टी बांध रखी हो ना, उसके बाद तो मैं कुछ भी बोलूं आप लोग को फजूल ही लगेगा, मगर सच यही है अम्मी। बड़ा अफसोस है रामीन, बहुत अफसोस है। एक भले इंसान से दुश्मनी खातिर तुम इस हद तक चली जाओगी, ये तो मैंने सोचा तक नहीं था। ठीक, उसकी पारसाई का तमाशा सारी दुनिया के सामने लाना ही पड़ेगा, मुझे सबको बताना ही पड़ेगा कि उस इंसान के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा है, जो अपनी शराफत, पारसाई, हमदर्दी के सहारे इतना बड़ा खेल खेल रहा है। सबको बताऊंगी मैं। तुम होश में नहीं हो। होश में मैं आप सबको लाऊंगी अम्मी। हाजी मकाम आ गया है ना, क्या आप अपनी बेटी पर भरोसा करने के बजाय उस कमीने इंसान की हिमायत कर रही हैं?
जिसने शराफत का चोला पहनकर आपके अपने घर पे नकब लगाई है। चुप हो जाओ रामी, चुप हो जाओ। जानती हो उस इल्जाम का कितना बड़ा अजाब है? चलो जाओ जाओ, बस चली जाओ। हर वक्त एक ही बात करती रहती हूँ। अच्छा भले इंसान के पीछे पड़े। सहे नसीब। तुम्हारा पैगाम था या खुशबू का संदेशा? यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने खुद मुझे बुलाया। आज तो हैरत के झटके दिए जा रही। क्या खुशी के मारे मुझे कत्ल करने का इरादा? मैंने आपकी बातों के बारे में बहुत सोचा, इसी नतीजे में पहुंची कि आपकी बातों को मान लेने में ही मेरी भीतरी है। चलो ये तो अच्छा है कि तुम जल्दी मान गई। और अगर ना मानती तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होती, क्योंकि मुझे तो तुम्हें हासिल करना था। अभी अच्छा है, इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल हो गई। वो रमिल और आपकी बीवी? अरे उन्हें हैदराबाद भेज दूंगा ना, भाई के पास। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बना के रखूंगा, रानी। और मेरी अम्मी? अरे तुम्हारी माँ तो मुझे एक आंख नहीं भाती है, हर वक्त तुम्हारी निगरानी में लगी रहती है। बहन बोल के उसे सर पे चढ़ा लिया मैंने, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। अब जबकि हमारा रिश्ता बदलने वाला है तो सोच लेंगे उसके बारे में भी कुछ। तुम उससे शादी कर लो ना, तुम्हें मलका बना के रखूंगा। वैसे जमाने वाले क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की उम्र जैसी लड़की से शादी कर ली? कुछ नहीं कहेंगे जमाने वाले, वो तो बल्कि खुश होंगे कि एक बेवा ने अपनी यतीम बच्ची एक बहुत ही अच्छे इंसान के हवाले कर दी। अरे ये शराफत का लबादा किसी काम तो आया, वरना शराफत के चोले में दिखावे की जिंदगी गुजार गुजार के थक गया था मैं। अरे अब ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे बाबा, वो बाबा जो मुझे प्यार करते थे, मुझे गले लगाते थे, मुझे शफ़क़त देते थे, ये आपका असली चेहरा है। मुझे नफरत हो गई आपसे बाबा। मेरी बेटी मेरा मान है, तुम्हारी शराफत के पर्दे ने मुझे अपनी बेटी से बेयकीन कर दिया। वो रोती रही, बताती रही, लेकिन मैं वजन होती चली गई। उसके बजाय मैंने तुम पे यकीन किया, भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरे भरोसे के चीथड़े उड़ा दिए। कितना समझाया था मैंने आप लोगों को, कितना कहा था, लेकिन मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। और आज ये है असली चेहरा, मंसूर साहब का ये असली चेहरा है।
मुझे शर्म आती है बाबा, मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। आज आपने मेरे भरोसे को चिकना चूर कर दिया। अरे बाप तो बेटियों का भरम होते, उनका मान होते, और आप मेरा मानते बाबा। मुझे माफ करता है कि मेरे बाबा सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी उसकी नजर के लिए लोगों की मदद करते। मुझे क्या पता था कि वो सब महज एक दिखावा था। आज आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया बाबा, अफसोस कि मैं आपकी औलाद। बस मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था ये सब करने से पहले कि मैं अपनी बेटी की नजरों में किसी वक्त भी गिर सकता हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी शफ़क़त और मोहब्बत में कोई खोट नहीं है बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं बह गया था, मैं भूल गया था कि मैं एक बेटी का बाप हूँ। तेरा एक एक लफ्ज़ मेरा कलेजा फाड़ रहा है बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे रमन, मुझे माफ कर दे मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। आपको माफी मांगनी है, माफी मांगनी है तो रामीद से मांगिए, आरफा खाना से मांगिए, और अल्लाह से मांगिए बाबा, अल्लाह से मांगिए। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि मुझे माफ किया जाए, मगर ये सोचकर माफ कर दे कि आपके लिए मेरी यही सजा बहुत है कि आज मैं अपनी बेटी की नजरों में गिर गया हूं। वो बेटी जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता हूं, और अब ये मकाम मैं कभी हासिल नहीं कर सकूंगा। मेरी सजा तो यहीं से शुरू हो जाती है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया अल्लाह की रजा के लिए, शायद हिदायत पा सको। जिन नेकियों को दूसरों के खातिर सिर्फ दिखावे की तरह पेश करते रहे हो, काश हकीकत में अंजाम देके दूसरों की दुआएं समेट सको। माफ किया तुम्हें, माफ किया। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। रब से जो